तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज रिव्यू करने वाले यामाहा की MT50 का। यह 150cc की पावर परफॉर्मेंस यामाहा MT50 है और यह इसका लेटेस्ट मॉडल है। इस बाइक की टॉप स्पीड कितनी है, इसमें फीचर आपको क्या क्या मिल जाते हैं, ऑन रोड प्राइस कितनी होगी, माइलेज कितना देती है, क्यों यह बाइक 150cc की कैटेगरी में आपको किंग मानी जाती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट के लुक से। इसमें आपको सबसे पहले मिल जाते हैं फ्रंट में नॉर्मल हैलोजन वाले बल्ब इंडिकेटर, ऊपर में आपको ग्लॉसी ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है और नीचे आपको मिल जाते हैं रोबोटिक LED DRL और उसके नीचे आपको मिल जाता है LED प्रोजेक्टर। इस बाइक में आपको पूरा की पूरा ट्रांसफार्मर वाला लुक मिल जाता है। थोड़ी सी कम बजट में अगर आप लेते हो तो N160 भी आपको यही लुक देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें आपको 40,000 सस्ती वो बाइक आपको मिल जाती है। फ्रंट पे आपको गोल्डन कलर के 37mm की टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि आप इसका मडगार्ड देख सकते हैं, जो कि ग्लॉसी कलर में आपको मिल जाता है। सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आ जाती है। यही इसमें आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 282mm की डिस्क मिल जाती है और जिसमें आपको 100x80 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। 17 इंच का वो काफ़ी शानदार अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाता है। और इसके इंजन की तरफ चलते हैं तो इसमें इंजन आपको 150cc का यहाँ पर मिल जाता है। R150 का भी सेम इंजन आपको इसी तरह का देखने को मिल जाता है। नीचे एडजस्टेबल फुटरेस्ट आपको मिल जाते हैं। 850 ml के आसपास आप इसमें इंजन ऑयल डलवा सकते हैं। बाकी आपको इसमें 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। रेडिएटर कोडिंग सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है। लिक्विड कूल्ड के साथ इंजन की अगर बात करें तो इसमें आपको लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक SOHC BS6 FI इंजन मिल जाता है, जो 18.4 PS की पावर आपको प्रोवाइड करता है और इसमें 14.1 Nm का टॉर्क इंजन आपको जनरेट करता है। तो इंजन इस बाइक में आपको 45 KMPL तक की माइलेज आपको देखने को मिल जाती है, जो कि इसकी टॉप स्पीड आपको 138 KMPH तक की देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 10 लीटर की इसमें मिल जाती है। अपाचे RTR 164V और XTEM 160R से ज़्यादा पावर आपको इसमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि टॉप स्पीड के मामले में यह बाइक इन सभी बाइकों को पीछे छोड़ देती है। और पीछे आपको बड़ा सा टायर देखने को मिल जाता है। बाकी 220 mm की डिस्क आपको यहाँ पर मिल जाती है। सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आ जाती है। रियर में आपको 140/70/17 के रेडिएटल ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं और MRF कंपनी के टायर मिल जाते हैं। बाकी पीछे रिफ्लेक्टर और दो हैलोजन टाइप इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं और टेल लाइट आपको LED में यहाँ पे पीछे देखने को मिल जाती है। और सीट कॉल भी ऊपर की तरफ देखने को आपको मिल जाता है, जो कि प्लास्टिक का है। और 810 mm की आपको सीट हाइट इसमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप इसके फ्यूल टैंक को काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है। इसमें आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। इसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसमें ABS इंडिकेटर, हेडलाइट टर्न इंडिकेटर, चेक इंजन और गियर न्यूट्रल, क्या आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी यहाँ पे इसमें आपको मिल जाता है। RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज मिल जाता है। बाकी आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर भी मिल जाता है, कॉल अलर्ट, लेकिन आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर वाला जो फीचर्स होता है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है, जो कि आपको MR150 में देखने को मिल जाता है। बाकी इस बाइक का कर्व वेट आपको 139 kg का मिल जाएगा और व्हील बेस आपको 1325 mm का और साइड में आपको मिल जाता है जो कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड आपको देखने को मिल जाता है और चेन सेट कवर मिल जाता है, जो कि रियर में आपको मोनोचॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। बाकी इंजन का जो हेड है वह आपको बिना कलर कोटिंग का ही मिल जाता है और स्पीड गियर बॉक्स इसमें आपको 6 मिल जाती है और 6-स्टन इंजन कटअप सिस्टम भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो फाइनली यामाहा की MT50 की प्राइस एक शोरूम पर जो प्राइस है वो 1,66,002 रुपीज़ की मिल जाती है, जो कि ऑन रोड प्राइस इसकी 1,97,867 रुपीज़ की आपको ये ऑन रोड मिल जाएगी। जो इसका ब्लैक वेरिएंट आता है उसकी प्राइस आपको थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिल जाएगी, वो तकरीबन आपको 1,96,000 की देखने को मिल जाती है। तो कलर वाइज इसकी प्राइस थोड़ी सी आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें।